गुड मॉर्निंग क्लास. सो टुडेज टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट. फॉर दिस आई टेक अ न्यूमेरिकल फ्रॉम योर बुक टी एस ग्रेवाल एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. सो बी अटेंटिव ऑन दिस लेक्चर एवरी वन बिकॉज दिस इज द मेन कंसेप्ट एंड इन बोर्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क. ओके सो I'll take a numerical. This is the numerical. Following was the balance sheet of A, B, who were sharing profit in the ratio of 2:1 as at 31st March 2018. ये बैलेंस शीट है किसकी? A और B की. उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कितना गिवन है? 2:1 as at 31st March 2018 को. ये आपको बैलेंस शीट गिवन है. यहाँ पे लायबिलिटी एंड एसेट. ठीक है, आगे एडजस्टमेंट्स हैं. दे एग्री टू एडमिट सी इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. फर्स्ट एडजस्टमेंट सी वाज टू ब्रिंग इन 7500 एज इज कैपिटल एंड 3000 एज अ गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म. वैल्यूज ऑफ द स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डरी डेटर्स ₹375. बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अरेंजमेंट. प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट दिस इज दैट इज कॉल्ड रिवेल्युएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी है? एक तो आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, देन यू हैव टू प्रिपेयर रिवेल्युएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी जर्नल एंट्रीज से. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मेट्स बनाए हुए हैं, लेकिन फर्स्टली मैं आई एक्सप्लेन जर्नल एंट्रीज. ठीक है, तो जर्नल एंट्री में जो फर्स्ट एंट्री होगी, बिकॉज फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू दी C was to bring in 7500 as his capital and 3000 as a goodwill. जब भी आप क्वेश्चन करोगे, कम्प्लीट क्वेश्चन करोगे, तो आपको पहली लाइन में गुडविल से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट गिवन होगी कि कैपिटल कितनी लेके आया है न्यू पार्टनर और गुडविल कितनी लेके, उसका शेयर कितना है. ठीक है, तो इसमें C 7500 कैपिटल की अमाउंट लेके आया और 3000 किसकी लेके आया? अपने शेयर की, गुडविल की अमाउंट लेके आया. यहाँ पे जो एक चीज समझ लेनी है आपको, सी वॉज टू ब्रिंग 7500 एज हिज कैपिटल एंड ₹3000 एज ए गुडविल फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म. तो जब भी आपको कैपिटल गिवन होगी और साथ में गुडविल गिवन होगी, लेकिन एक लाइन और लिखी होगी फॉर हिज शेयर ऑफ गुड, फॉर हिज शेयर. तो समझ, इसमें आपको उसके शेयर को कैलकुलेट नहीं करना, वो ऑलरेडी उसके शेयर की ही गुडविल है. ठीक है, तो फर्स्ट एंट्री है, कैश में दोनों चीजें लेके आया है, तो आपको एंट्री क्या करनी है यहाँ पे? कैश. और ये जनरल एंट्री पर्टिकुलर, जैसे फॉर्मेट आपको मैंने 11th में बताया था क्या होगा, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, उसी फॉर्मेट में आपको अपनी फेयर नोटबुक में जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, प्रैक्टिस करोगे या लिख करोगे उसको अपने फेयर नोटबुक में राइट डाउन, तब आपको उसी फॉर्मेट में लिखना है. ये नहीं कि नॉर्मली ऐसे ही आपने लिख दिया. ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू क्या क्या चीजें लेके आया है? एक तो लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल. ठीक है, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है, दूसरा आया है टू, क्योंकि सी आया है कि पार्टनर नया, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? सी इज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, तो कितनी गुडविल लेके आया है? 3000. कैपिटल कितनी लेके आया है? 7500. ठीक है, टोटल कितनी अमाउंट लेके आया है? 0, 0, 5, 10,000, 500. ठीक है, नरेशंस ऑलरेडी आप लोगों को पता है, नरेशंस में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूं. क्या हो जाएगी इसकी नरेशन? बीइंग न्यू पार्टनर ब्रिंग सम प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल इन कैश. ठीक है, उसके बाद एक बता देती हूँ, बीइंग सी पार्टनर ब्रिंक कैपिटल एंड
premium for goodwill in cash. ठीक है, ये आपको नरेशन करनी है. अब चलते हैं सेकेंड जनरल एंट्री पे. सेकेंड जनरल एंट्री क्या होगी हमारी? अभी हम गुडविल की कर रहे हैं ना, तो गुडविल की एंट्री हो गई है. प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना भी प्रीमियम लेके आया उसको कौन बांटता है? पुराने पार्टनर्स. तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आपको क्या कर देना है? डेबिट टू. अब पुराने पार्टनर हमारे हैं ए और बी. कौन से पार्टनर हमारे पुराने? ए और बी. एक चीज और बता दूं, क्योंकि हम जो भी प्रीमियम डिवाइड करते हैं वो सेक्रीफाइजिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पे क्या रेशियो दिया हुआ है? 2:1. और जो नया पार्टनर आया उसका रेशियो है 1/4 शेयर. और बाकी और कोई डिटेल शेयर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं गिवन. तो जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो गिवन होगा और उसके कितने शेयर से न्यू पार्टनर आया है वो शेयर गिवन होगा. तो जब भी आप सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट करोगे तो आपका सेक्रीफाइजिंग रेशियो जो आएगा वो बिल्कुल एज इट इज ओल्ड रेशियो के इक्वल आएगा. मीन्स कोई चेंज नहीं आएगा उनके सेक्रीफाइजिंग रेशियो में, वो वैसे ही रहेगा जैसे ओल्ड रेशियो है. ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है कि आपको सेक्रीफाइजिंग रेशियो कैलकुलेट. जिनको डाउट्स लग रहा है कि क्या पता दूसरा आ जाए, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो. फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है. क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर. ठीक है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, ये फॉर्मूला होता है ना हमारा. तो यहाँ पे अब जैसे जिनको नहीं आता है, मैं चलो एक्सप्लेन कर ही देती हूँ. यहाँ पे टोटल शेयर कितना है? शेयर मान के चल रहे हैं रिमेनिंग शेयर आफ्टर सी एडमिशन कितना बचेगा? 1 - 1/4 कितना आ जाएगा? 3/4. अब इस 3/4 को ए और बी कौन से रेशियो में डिवाइड करेंगे? 2:1 में. तो ए का कितना शेयर आ जाएगा? 3/4. और बी का शेयर आ जाएगा इंटू 2/3. ये तो हो गया ए का शेयर. तो यहाँ पे हमारा रेशियो बन रहा है, हमारा रेशियो क्या था यहाँ पे? 3/4 शेयर को जो ये बांटेंगे वो कौन से रेशियो में बांटेंगे? 2:1 के रेशियो में. ठीक है, तो यहाँ पे 3/4 रेशियो बन गया हमारा. एक सेकेंड, चार, हाँ ठीक है, ये रेशो आ रहा है हमारा. ठीक है, उसके बाद बी का रेशो भी ऐसे निकाले, मैं यहाँ पे कर रही हूँ. 3/4 शेयर है हमारा रिमेनिंग शेयर और इसको इंटू करना है 1/3 से. तो क्या आएगा रेशो? 3/12. मीन्स अब रेशो को अगर देखा जाए दोनों के बेस इक्वल है ना, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 6:3. अगर सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा? 2:1 सेम आ रहा है ना. क्या आ रहा है ये हमारा न्यू रेशियो. ठीक है, अब न्यू रेशियो भी यही है तो हमें कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, वही सेम रेशियो हमारा आएगा. इस वजह से ए बी सी रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 6/12. और बी तो ओल्ड रेशियो भी वही है, न्यू रेशियो भी वही है, तो सेक्रीफाइस में कोई चेंज नहीं आया है, तो वही रहेगा. उस कंडीशन में यहाँ पे आपको क्या करना है? एस कैपिटल अकाउंट, ठीक है, 2 बीस कैपिटल अकाउंट कौन से रेशियो में? प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था? 3000. ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल लाया था 3000. तो अगर मैं इसको 2:1 की फॉर्म में डिवाइड करूं, ठीक है, तो कितना बनेगा हमारा? फर्स्ट का शेयर बन जाएगा हमारा 2000 और सेकेंड का, ठीक है, ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री प्रीमियम से गुडविल से रिलेटेड. अब चलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट पे. ये तो थी हमारी गुडविल से रिलेटेड एंट्रीज सारी. ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो आप ऐसे लिख भी लिया करो कि ये गुडविल की एंट्रीज हो गई हमारी. अब चलते हैं रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन में भी एडजस्टमेंट दी हुई है. क्या एडजस्टमेंट दी हुई है क्वेश्चन में? वैल्यूज ऑफ स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस. स्टॉक की वैल्यू और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस हुई है 5%. ठीक है, स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 10,000. वो रिड्यूस होगी, कितनी होगी? 5%, दैट इज 500, है ना. उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट है 17,500. तो अगर मैं इसका 5% निकालूंगी तो आएगा आपका 875. ठीक है, ये रिड्यूस हुई है. तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी? क्योंकि रिवैल्यूएशन में
अब एंट्री क्या, और क्योंकि रिड्यूस हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को करेंगे डेबिट, ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, क्योंकि डेबिट साइड आ रही है ना ये सभी एंट्रीज। और दूसरा क्या है हमारा, प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी में हो रहा है चेंज हमारा, स्टॉक में कितना हो रहा है हमारा चेंज, स्टॉक में क्योंकि 10% हो रहा है तो 10,000 का 5% कितना होएगा 500, उसके बाद है आपका प्लांट एंड मशीनरी की अमाउंट थी 17,500, उसका 5% कितना आ जाएगा 375। अब मैं देख लूँ कोई और चीज तो रिड्यूस नहीं हो रही है अगली एंट्री में। अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वाज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सन्डरी डेटर, अब प्रोविजन भी क्रिएट करना है, इससे भी लॉस होता है रिवैल्यूएशन में, तो इसको भी डाल दो यहाँ पे डेबिट साइड। क्या डालेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितने हैं हमारे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है 375, ठीक है, 375 हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स की अमाउंट है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा 375, 750, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा 500 ऐड करके 750 ऑलरेडी आ रहा है, 750 देन 500 जीरो, सॉरी एक जीरो एक्स्ट्रा हो गई हमारी, तो हमारी यहाँ पे आ जाएगी अमाउंट 1,250, क्लियर। अब चलते हैं सेकेंड एंट्री पे, सेकेंड एंट्री है एक अमाउंट दी हुई है, बिल्डिंग अकाउंट वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग की जो अमाउंट है वो 10% से क्या हो रही है, अप्रिशिएट हो रही है, ठीक है 10%, तो बिल्डिंग की कितनी अमाउंट गिवन है क्वेश्चन के अंदर 25,000, 10% अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, इसका 10% कितना आएगा हमारा, कितना आएगा 25,000 है ना, तो 10% इंक्रीज करना है तो हमारी इंक्रीज कितना हो गया 2500। अब एंट्री क्या हो जाएगी, क्योंकि क्रेडिट साइड से एंट्री रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे लिखना है बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन है, कितनी अमाउंट से होगा ये, बिल्डिंग में कितना इंक्रीज हो रहा है 2500 से हो रहा है, तो ये एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग की। अब देखते हैं कोई और एंट्री बची है, अभी एंट्री कोई नहीं बची हुई है, यहाँ पे एक रिवैल्यूएशन की एंट्री है प्रॉफिट की, ठीक है, तो इन दोनों के इफेक्ट को जब रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम बैलेंस निकालेंगे उसके बाद करेंगे। ये तो थी आपकी मेन मेन एंट्री, एक एंट्री बची हुई रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज रिवैल्यूएशन क्या होता है, जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज में जो भी चेंज होता है तो हम उसे डेबिट साइड और क्रेडिट, इंक्रीज होती है अगर कोई एसेट तो क्रेडिट साइड, और डिक्रीज होती है अगर कोई एसेट तो कौन सी साइड पोस्ट करनी है, डेबिट साइड। अब देखो हमारी एंट्री में कौन कौन सी एसेट डिक्रीज हुई थी, कम हुई थी, स्टॉक भी कम हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी भी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो जो कम होती है उसे कौन सी साइड लेना है, रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। तो यहाँ पे लिख दो आप स्टॉक टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू प्रोविजन फॉर डेब्ट्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर डेब्ट्स कितना था 375, प्लांट एंड मशीनरी हमारा 375 था, स्टॉक भी कितना था 500, ठीक है। अब क्रेडिट साइड चलते हैं, जो चीज जिस चीज से इंक्रीज हो रहा था, बिल्डिंग इंक्रीज हो रही थी ना, तो यहाँ पे लिखना है आपको बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेट इज 2500, ठीक है, डेट इज 2500, और कोई अमाउंट नहीं बची हमारी वैल्यूएशन में एसेट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लेते हो, क्योंकि ये साइड ज्यादा आ रही है देखने से ही पता लग रहा है हमारी, और ये साइड आ रही है कम, ठीक है। प्लांट एंड मशीनरी मैंने स्टॉक की वैल्यू ली है 500, उसके बाद प्लांट एंड, एक चीज और, हाँ जो प्लांट एंड मशीनरी की
रिड्यूस हुआ वो हुआ है 875, ठीक है। कितना रिड्यूस हुआ 875, आप कैलकुलेट कर लेना। 17,500 पे 5% जब करेंगे तो हमारा आएगा 875, ठीक है। तो ये लेना है, एंट्री में भी कर देती हूँ, ठीक है। तो अब थोड़ा सा चेंज हो गया यहाँ पे भी अमाउंट में, वो आप लोग कर लेना। हमारा यहाँ पे था 3, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 17,000, ठीक है। ये हो गया, अब 2500 क्योंकि ज्यादा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा बैलेंस, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट होगा इस साइड आएगा हमारा प्रॉफिट, जो कि कितना आएगा हमारा 2500 से, जब मैं इन सभी के टोटल को 1750 को माइनस करूंगी तो हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा 750, कितना आएगा 750, 1750 को 2500 से माइनस करके, तो इसको डिवाइड कर देना ट्रांसफर्ड शॉर्टेज है तो एज कैपिटल एंड बीस कैपिटल। तो फर्स्ट का शेयर अगर 2:1 की फॉर्म में मैं डिवाइड करूंगी तो ये आएगा। यहाँ पे आपको सिंपली पूरी बैलेंस को लिख लेना और यहाँ पे लिख लेना टोटल। अब करना क्या है, 2500 में से इस साइड के टोटल को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आया वो कितना आया है 750, तो उसको ए और बी आपस में बांटेंगे, तो उनका जो रेशो था वो 2:1 था। इस रेशो में मैंने 750 को डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट का हुआ 500, सेकेंड का क्या हुआ 250, ठीक है। तो इस जो प्रॉफिट आया रिवैल्यूएशन का, इसको भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। कहाँ ट्रांसफर करना होता है, तो आपकी एक और एंट्री यहाँ पे बनेगी, क्या करोगे आप रिवैल्यूएशन, क्योंकि एंट्रीज भी बोली गई थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना आया था प्रॉफिट हमारा, फर्स्ट का आया था हमारा शेयर 500 और सेकंड का आया था 250, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल 750, यस। अब चलते हैं कैपिटल अकाउंट पे। कैपिटल अकाउंट में सबको पता है सबसे पहली चीज क्या लेते हैं हम, जो भी बैलेंस होते हैं पार्टनर्स के उसको लेना होता है। तो यहाँ पे बैलेंस कितना है 15,000, 10,000, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले 15,000 और ए, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय बैलेंस बीडी 15,000 और दूसरे का जो है कैपिटल की अमाउंट, जो भी दोनों की गिवन है 15,000 और 10,000, वो आपको ले लेनी है, ठीक है। अब दूसरी चीज जो हमने एंट्री करी थी गुडविल वाली, जहां जहां कैपिटल अकाउंट आएगा वो सारी एंट्रीज कहाँ पोस्ट होंगी कैपिटल अकाउंट में, तो सी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, कैश लेके आया था ना, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कैश अकाउंट, कितना कैपिटल लेके आया था 7500, यहाँ पे ऐसे लाइन लगा दो क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में भी कैपिटल आए थे, क्या क्रेडिट हुए थे ना कैपिटल अकाउंट, क्योंकि एंट्री के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। क्या लिखना है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को करना है आपको, क्या करना है यहाँ पे, कितनी प्रीमियम बन रहा है 2000 एंड 1000, कौन कौन से पार्टनर के ए और बी के, तो यहाँ पे लिखना है 2000 एंड 1000, ठीक है। ये एंट्री हो जाएगी हमारी ऐसे। अब रिवैल्यूएशन का बैलेंस भी आया है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया था, ये जो प्रॉफिट होता है रिवैल्यूएशन का, इसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना प्रॉफिट आया था ए और बी को मिला था ना, एक का आया था 500 और दूसरे का कितना आया था 250, यही आया था ना, ये आया था ना। अब और कोई टर्म बची हुई है हमारी, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ले लिया, गुडविल भी ले लिया, कैपिटल भी ले लिया, प्रीमियम फॉर गुडविल कुछ भी नहीं बचा है, तो अब क्या करना है आपको। और यहाँ पे कोई जनरल रिजर्व भी गिवन नहीं है जिसको हमने पार्टनर्स में डिवाइड करना है, तो सारी एंट्रीज ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब क्या करना है आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के बैलेंस निकालने हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा
7500 यहाँ पे आएगा, 11250 यहाँ पे आएगा, 17500। और कोई इस साइड कोई बैलेंस नहीं है तो यही बैलेंसिंग फिगर आएगी। क्या लिखोगे? बाय टू बैलेंस सीडी। फर्स्ट का क्या आया? 17500। सेकंड का आया 11250। थर्ड का क्या आया हमारा? 7500। क्लियर? टोटल आपको वैसे लिख लेना ये, देन यहाँ पे आ जाएगा 11250 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ठीक है? ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट। इसको डबल लाइन से कोटिंग कर लोगे आप, क्योंकि डबल लाइन करते हैं हम टोटल के नीचे। यहाँ पे भी ये हो गया कैपिटल। अब चलते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट कैसे बनानी है आपको, ठीक है? ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। देखिए इस बैलेंस शीट, इस क्वेश्चन के अंदर जो बैलेंस शीट गिवन है उसमें कैपिटल अकाउंट के बैलेंस टॉप में, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो आपको इसी फॉर्मेट में अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? कैपिटल अकाउंट्स कौन कौन से हैं? पार्टनर ए, बी और सी। ए का बैलेंस आया था 17500, दूसरे का आया था 11250, कितना आया था? 11250, और थर्ड का आया था 7500, ठीक है? यही आया था ना आपका। यहाँ पे जो टोटल बैलेंस आ जाएगा इनका करने के बाद वो कितना आएगा, यहाँ पे आपको एक लाइन लगानी, लिखना है यहाँ पे 36250। इन सभी को टोटल करके ये बैलेंस आया है, ठीक है? अब क्योंकि क्रेडिटर्स रिलेटेड कोई वो टर्म नहीं थी, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितनी है अमाउंट सन्ड्री क्रेडिटर्स की? 32000। देखिए कितनी है? 950, यही है ना? हाँ, 32950 ये बैलेंस है। अब चलते हैं हम अपने एसेट साइड। तो सबसे पहली चीज है बिल्डिंग। बिल्डिंग क्योंकि डिक्रीज हुई थी, सॉरी इंक्रीज हुई थी बिल्डिंग, कितने अमाउंट से? एप्रिशिएट हुई थी ना, इंक्रीज हुई थी 10%। तो 2500 में 2500 और ऐड होके उसकी अमाउंट कितनी हो गई थी? 27500। कैसे आई ये? 25000 ऑलरेडी थी प्लस 2500, जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा? 27500, ठीक है? उसके बाद था स्टॉक, देन प्लांट एंड मशीनरी था, और भी कुछ था स्टॉक की वैल्यू और मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हुई थी। कितनी वैल्यू थी स्टॉक की? वैल्यू क्वेश्चन के अंदर थी हमारी 10000 और डिक्रीज हुई थी स्टॉक की वैल्यू। कितनी डिक्रीज हुई थी हमारी स्टॉक की वैल्यू? 500। तो यहाँ पे आ जाएगा 9500, ठीक है? मशीनरी की वैल्यू भी डिक्रीज हुई थी, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है 17500। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 500 माइनस 875, तो माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 16625, ठीक है? ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। कैलकुलेट कर लेना जिनको कोई डाउट्स है, तो यही अमाउंट आएगी आपकी, ठीक है? अब चलते हैं हम, कोई टर्म बची है? हमारा बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। अब एक चीज बचा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड आउट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर्स। क्वेश्चन के अंदर सन्ड्री डेटर्स भी दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं? 4850, लेकिन उससे रिलेटेड एक प्रोविजन है जो कि कितना है? 375। तो अगर मैं डायरेक्ट यहां पे भी ले सकती हूँ एज ए लाइबिलिटी, या यहां पे अगर मैं उसे माइनस कर दूं तो सेम ही फॉर्मेट बनेगा। तो यहां पे डेटर्स की अमाउंट कितनी है? डेटर्स की अमाउंट है 4850 माइनस 375, ठीक है? तो यहां पे अमाउंट आ जाएगी 4475, ठीक है? ये आ जाएगी अमाउंट कैलकुलेट करके। डेटर्स हो गए हमारे। अब लास्ट टर्म बची हुई है कैश। अब कैश कैसे कैलकुलेट करें? हमारे पास ऑलरेडी कैश थी बैलेंस शीट में 600। अब इसमें कितना कैश आया? एक तो कैपिटल लेके आया था कितने थाउजेंड की, जो सी पार्टनर आया था, तो कैश भी लेके आया था ना 7500 की, तो वो लेके आया था। और 3000 का क्या लेके आया था कैश?
तो अगर मैं इन सभी को जोड़ूं 7000 प्लस 3000 7000 प्लस 10500 तो यहाँ पे आ जाएगा 11100। ठीक है, ये आएगा बैलेंस आपका। ऑलरेडी सभी टर्म्स ले ली, एक बार फिर चेक कर लेते हैं। हम बिल्डिंग भी ले चुके हैं, ये भी ये भी ये भी, इस साइड भी सब ले चुके हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हमने ले लिए हैं। अब टोटल कर रही हूँ मैं, टोटल जो आएगा आपका वो कितना आएगा, 0 10 0 10 ठीक है। इस साइड का टोटल भी कितना आएगा आप कैलकुलेट कर लेना, इतना ही आ रहा है, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये थी आपकी बैलेंस शीट जो आपको प्रिपेयर करनी है। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये जनरल एंट्रीज भी आपको समझ में आ गई होंगी, जो भी जनरल एंट्रीज थी मेन मेन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो ये थी आपकी बैलेंस शीट। जब भी आप कोई कंप्लीट क्वेश्चन करोगे तो आपको इसी फॉर्मेट में अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि कोई भी डाउट्स और हमारी बैलेंस शीट इजिली इक्वल हो जाए। ठीक है, क्लियर एवरीवन? ओके, थैंक यू।